इट्स सेक्सी। ये इन्हीं ने बनाया है? हाँ जी। आज पूरा दिन बैठ के उन्होंने ये ब्रेड्स किए। प्रनीति मीट्स पोकाहोंटस। ओ यार ब्रो, इट्स माय अमेज़न लुक। They are very warm, very kind, very welcoming people, like Priniti. You didn't meet my sister while you were there? She's in other part of the country. You should have taken a flight and gone. She's very busy. Chalo, since you are playing struggling singer, आप थोड़ा स्ट्रगल करके सिंग करें। कम ऑन विराज कला खराब। क्या आप चाहते हैं कि परिणीति चोपड़ा आपके लिए गाना गाए? लेट्स हियर इट देन। बोलो हां हां। सिंग 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 सिंग। लुक एट दिस बिहेवियर। कम ऑन परिणीति, रेड कार्पेट मिस बिहेवियर। माना कि हम यार नहीं, ये तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजर दिल का एतबार नहीं। सॉरी गाइस, ये क्या था? मिस बी। आप स्ट्रगलिंग सिंगर कैसे हो सकती हैं? ऐसा टैलेंट स्ट्रगल कर सकता है? रणवीर वो पहला इंसान था जिसने मुझे पकड़ा था एक दिन मिरर के सामने शीला की जवानी पे डांस करते हुए, और वो ऐसे मुझे दूर से देख रहे थे। बैंड बाजा के ये नए एक्टर जो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आए थे, और उन्होंने बोला था तुम एक्ट्रेस बनने वाली हो एक दिन, और वो सच हुआ। हाँ देखो, आई स्पॉटेड द हीरा फर्स्ट। बेटर देन आदि, यू आर बेटर देन आदि। आई वाज बिफोर, आदि बिफोर मनीष। हाँ जी, आप हीरा हैं, अगर हम जौहरी हैं, और तुम जलजला हो, जलजला, और आप तहलका हो। और पूछिए, और कुछ है आपके पास? और कुछ? हाँ जी, सुबह भी इवेंट था। देखो मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ। रणवीर जल्द ही मुझे फ्री जूते और फ्री कपड़े भेजने वाले हैं। मेरे पास बजट नहीं है, तो ये एडिडास और गैप के कपड़े मुझे भेजने वाले हैं। आज ही मैंने इनको अपने साइजेस भेज दिए हैं कपड़े और जूतों के। इट्स अ यूके 5.5। आई हैड टू गूगल इट एंड फाइंड इट। व्हाट द साइज एग्जैक्ट, व्हाट वाज द यूके साइज? परिणीति इज फाइंडिंग हर ओन शू साइज ऑन गूगल। नो नो, आई न्यू द यूरोपियन साइज, आई डिडंट नो द यूके साइज। अच्छा हां जी, यूरोप की बात निकली तो बेफिक्र है। हां करेक्ट जी। आदि आदि और वानी तो निकल गए, दे आर इन पेरिस एंजॉयिंग सीइंग द साइट्स, ईटिंग ग्रेट फूड, हैविंग अ ब्लास्ट विदाउट मी, बट आई एम हेडिंग देयर सून एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। या आई थिंक आई विल जस्ट कम चिल विद यू गाइस। हां जी, 4 मंथ्स इन एंड आउट, मेबी 60 डेज ऑफ शूट, लाइट ब्रीजी रोमकॉम, एंजॉय, व्हाट टू डू? Why am I giving joint interviews for Befikre? Just, I don't want to leave your site. I want to attach. I have to go and host. Like Siamese twin. आज मैं host करने वाली हूँ, मैं perform भी करने वाली हूँ, रणवीर सिंह भी perform करने वाले हैं। तुम perform नहीं करने वाली हो? यार नहीं, ना करें, ना करें। क्यों? मैं कर रही हूँ। Fraud. You can't do this. अरे अरे, ओ अवार्ड मिलने वाला तुम्हें? अवार्ड मैं होस्ट हूँ, मैं कुछ स्विंग कराती हूँ कि आज रणवीर को हम किसी तरह सफारिश से अवार्ड दिला दें। मुझे बेस्ट पसीना अवार्ड तो मुझे आज मिलने वाला है। देखो ये अवार्ड तो आज नक्की है, अर्जुन को भी मैं पीछे छोड़ दूंगा। अर्जुन थैंक यू। अरे यार मैं एक्चुअली सुन रहा था, लाइव अपडेट्स मिल रहे थे अंदर से। आई थिंक टेक्निकल अवार्ड्स तो बाजीराव मस्तानी ने स्वीप कर लिए। ब्रो वेरी वेरी हैप्पी ब्रो, बेस्ट एक्शन, बेस्ट साउंड, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट वीएफएक्स, तो होपफुली मुझे भी कुछ मिलेगा यार। हाँ हाँ जी जी, हाई हील्स ना, हाई हील वी नंदे तो तू बड़ी नचे, हाई हील, वी लव दैट सॉन्ग। हमने बहुत पहले गाना सुना था, हमने बहुत एंजॉय किया था। तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है, रुक चल जा तू हैंग ऑन। आई हर्ड हनी इज कमिंग टुडे। हनी इज कमिंग, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है, कहां तू जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।
बस कर ये सब तो मैं देख चुका। तो जैसी तो पट जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी कुड़िया खाली मेरा वार नहीं जाता मुझको ना पहचाने तू तेरे घर बाहर नहीं आता। क्या बात है। हाँ जी तो बेसिकली मैं आज यहाँ आई हूँ बेफिक्रे कायन की सारी पिक्चरें बाजीराव मस्तानी प्रमोट करने ट्रिपल एक्स सारी पिक्चरें प्रमोट करने मैं आज आई हूँ। करना चाहिए अपने दोस्तों के लिए। ओ बिंदु तो कर ही दी मैंने। ओ मेरी प्यारी बिंदु ओ मेरी भोली बिंदु। अब बेसिकली अब मुझे वहाँ से बुलावा आ चुका है। वहाँ तीन चार लोग बेहोश हो चुके हैं। आया है माता ने बुलाया है। इंटरनेशनल मीडिया के इंटरनेशनल मीडिया वेटिंग। अरे वाह इंटरनेशनल। Thank you very much. Any expectations? Z Cine Awards, the stage looks humongous, so I'm very excited to see the performances. I heard Sonakshi's performing, so I'm excited for hers. I'm presenting an award. I'm not sure yet. I'm waiting to know. Sorry. Thank you very much. Because you know he's doing like live action, so I'm really, really looking forward to that. And yeah, just to see a lot of people dancing, having fun. So just that much. No, I'm just attending. Attending. हाँ क्यों नहीं मैं ही तो होस्ट करने वाली। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी आवाज़ आ रही है धूम धड़ाका हो रहा है। आई थिंक बहुत हैपनिंग कुछ हो रहा है अंदर। आई थिंक आई एम मिसिंग इट बट येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवेंट एंड बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज होने वाले अंदर एंड पीपल आर लुकिंग लवली सो आई थिंक येस आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरी क्यों होगी Yeah, of course. I think he's very promising. He's an amazing actor. He's grown tremendously, and I really wish to see him in great films. You know. Yes. Well, I'm starting my film next month. Tom, Dick, and Harry return. So yes, I'm coming back with a comedy film, and yes, I hope that everyone likes it. Thank you. Yes, I am wearing Riti Arneja of today. So it's a very summery. Gowny trail kind of a dress. It's a casual and formal. So yes, I wanted to be a little casual formal today. Are you serious? Yeah. I'll check him out inside. No. आई थिंक दोनों को काम करना ज़रूरी है। कोई एक पे क्यों डिपेंडेंट रहना। आई थिंक जब डिवाइड हो जाता है चीज़ें हमेशा बेटर होती है। नो 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 आई वुडंट लाइक माई हस्बैंड सिटिंग एट होम फॉर श्योर। हाँ दोनों काम करते हैं। थैंक यू। Oh.
Hello, how are you, man? Good. हाँ जी, या आपको देखा बस मूड प्लेजेंट हो गया. थैंक यू. आई एम इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, द ऑडियंस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ही मैं नॉमिनेटेड हूँ, ना ही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ना ही मैं होस्ट कर रहा हूँ, फिर भी अपने इंडस्ट्री में जो आज जीतने वाले उनको चीयर करने आया हूँ. आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन. जी अवार्ड्स is a unique and a great award to be part of. Thank you. I don't know Prashansa, but meri ek film aa rahi hai Banjo, usi ki shooting chal rahi thi, uske liye ye baal aise bade hue hain. Ji achhi shuruaat hai. It's difficult sleeping with this hair, but yeah, it's been a month and pretty excited about it. Saaf sutra. Main roz nahata hu. Roz nahata hu main. Shampoo karta hu, conditioner lagata hu. To usi se ye baal aksar saaf sutre ho jate. Thank you. इसी तरह मेरे जेब में कुछ ज़्यादा पैसे बच जाए यार, दूसरा कुछ नहीं. थैंक यू. हाँ जी, हाय, आप आ गए? या लाइक ऑलवेज जी इज़ द मोस्ट स्पेशल अवार्ड फंक्शन फॉर मी, बिकॉज़ आई गॉट माय फर्स्ट अवार्ड इन माय लाइफ फ्रॉम जी अवार्ड्स फॉर माय डेब्यू फिल्म. सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट. नहीं मैं फिल्म से तो मतलब बहुत संतुष्ट था, लेकिन जो कट्स मिले थे हमें उनसे संतुष्ट नहीं था. तो जो ऑडियंस को दिखाई गई फिल्म वो हमारी बनी हुई फिल्म नहीं थी, तो जो मिला उससे अभी खुश हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ. किसके बीच में? नहीं, इस बात का यहाँ क्यों जिक्र? हाँ, जी अवार्ड्स में मेरे मित्रों की बात क्यों? नो, जो 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 मुझे कहना था वो तो पेपरों में आ ही गया है, और मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ. तो आप पेपर आप पढ़ते होंगे, तो आपको सब पता है. शिकागो जंक्शन इज कमिंग अप एंड समथिंग दैट आई कांट टॉक अबाउट राइट नाउ, अनदर मूवी. It's a film set in UP and directed by Kabir Kaushik, and he's asked me not to speak much about it till he announces it himself. I don't want to talk about the budget right now. it's too businessy and too political and too corporate for the Zee Awards. Okay. तो आप उनसे ही पूछे. No idea about what heels you're talking about, but I'm sure agar koi fashion statement hoga to wohi baat kar sakenge aapse. Well, I would be excited to watch both, because as a viewer I would love to watch both, but I'm obviously definitely going to be more partial towards Azhar, because it's our Balaji baby. And why should I be pretending to be diplomatic? I'll say, of course, Azhar is more special to me. But I, as a viewer, I would want to watch both. Thank you.
know you. What are the expectations? May the best movie win. I think last year Bajira was good, Bajrangi Bhaijaan was good. All actually last year was a great year for content. Piku was good. Piku was good. Masaan was good. NH10, Badlapur, all good movies last year. Very good movies actually. I'm not really missing it. Are award ceremony. Ji. I'm just the ambassador for the revival of Paithani in Maharashtra. And Paithani is one of my favorite saris. I'm a Maharashtrian, I've been brought up with it. So, very excited about it. Abhi to finale aayega mere show ka. And it's doing really well. Well, बहुत मज़ा आता है जब फिनाले होता है और कोई जीतता है लेकिन बच्चे हैं तो जो नहीं जीतते हैं उनके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है बट मोर देन एनी थिंग एल्स वी ट्राइड इन इंडियाज बेस्ट ड्रामे बाज टू कीप इट मोर लाइक अ सेलिब्रेशन रादर देन लाइक अ कॉम्पिटिशन विच इज़ वॉट वी बिलीव इन थैंक यू हेलो थैंक यू सोनाली गुप्ता Am I? You worked with Rajni sir. Tell us something about his fashion statement, his style statement, or whatever you guys become content. I think it's that. I think it's that. And in this film, I tell him what to wear. So the credit goes to me. So what have you suggested him to wear? That's for you to watch. film अभी finish हुई. दो दिन पहले मैं अभी आई हूँ. रिलीज का डेट अभी वो बात चालू है तो जब पता चले कि अब मैं ट्वीट कर दूंगी गुड इवनिंग आई एम जस्ट सोच मतलब मैं चाहती हूँ कि वो सरप्राइज करे अवार्ड दे के और अच्छे मतलब अच्छे परफॉर्मर्स को अवार्ड मिले क्योंकि बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स है दिस ईयर ले तो नहीं रही हूँ पर शायद दे दूँगी देखते हैं पता नहीं उसको पूछना पड़ेगा नो आई डोंट नो आई एम नॉट अवेयर ओह गॉड लेट्स टॉक अबाउट दिस एट लेंथ या थैंक यू हाँ एक शॉर्ट फिल्म है इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर डायरेक्टेड बाय शिरीष कुंदर एंड वी शूटिंग इट नाउ दिस मंथ एंड एंड इट विल प्रोबेबली कम आउट इन अप्रैल थैंक यू one of my films called Phobia is releasing end of May, 27th of May. It's with Eros. And Rajni sir's film, Kabali, is releasing this year. I have, probably. I will make the announcement soon. Thank you. मैं बढ़िया हूँ आप कैसे काफ़ी संतुष्टि मिली है प्यार का बचनामा 2 से एंड काफ़ी अवार्ड सेरेमनीज में काफ़ी नॉमिनेशन एंड अवार्ड जो हैं तो आई एम रियली हैप्पी विद द अवार्ड सीजन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर अच्छा देखिए महिलाएं इतना कष्ट उठाती हैं इस हील्स पहन के हर जगह जाती हैं तो हम मर्दों को भी शायद कभी कभी हील्स का अनुभव होना चाहिए एंड आई थिंक अर्जुन जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हम सबको फॉलो करना चाहिए वेमेन अर्निंग द ब्रेड आई थिंक इट्स फैबुलस मतलब हम लोग को काम कर करके हम भी थक जाते हैं तो वेमेन भी आजकल तो सब लोग अर्न ही कर रहे हैं मुकाबले इक्वल का है इक्वालिटी है और सब लोग मतलब उतना ही मर्द भी काम कर रहे हैं जितनी महिलाएं भी कर रही हैं तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम यार कभी हमें भी आराम करने का मौका मिलता है